नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र अनुदेशक, सुनी गई संगठनों की समस्याएं, निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की गई। लखनऊ से समाचार है साथियों, लखनऊ से ये समाचार आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज है। 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत 29,000 अनुदेशकों की भले के लिए समायोजन तो नहीं हुआ गया है, लेकिन उनकी गणना अब शिक्षक रूप में करने की तैयारी की गई है। इससे उन्हें लाभ आगे चलकर जरूर मिलेगा, साथ ही उनके पदों पर आसानी से नियुक्ति भी होती रहेगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये समाचार आ रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में समस्या निस्तारण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन शिक्षा मित्र स्वयं अनुदेशक संगठनों को बुलाकर उनकी मांगे और अन्य समस्याएं अफसरों ने सुनी। इसी में संकेत दिया गया कि शिक्षा मित्र की गणना अनुदेशकों की गणना छात्र शिक्षा अनुपात में हो सकती है। ज्ञात हो कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में प्राथमिक स्कूलों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक पर उच्च प्राथमिक स्कूल में 35 छात्रों पर एक शिक्षक रखने के निर्देश हैं। अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में रखा नहीं गया है। ऐसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो कार्यरत हमारे अनुदेशक भाई हैं, उनको भी अनुपात में छात्र शिक्षा अनुपात में नहीं रखा गया है। समस्या निस्तारण बैठक में आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही, शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अवैध सिंह, उत्तर प्रदेशीय शिक्षा मित्र संघ के शिव कुमार शुक्ला, शिक्षा मित्र उत्थान मंच के गुड्डू सिंह व उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटी सिंह के धर्मेंद्र सिंह आदि पहुँचे। शिक्षा मित्रों के 12 माह की सेवा, 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त की मांग की गई। यही मांग अनुदेशकों के लिए की गई। उनका कहना है कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये लाभ दे रही है, उसी तर्ज पर सेवा नियमावली बनाकर उन्हें भी लाभ दिया जाए, जो कि जायज है, संवैधानिक है। इसी तरह 14 अवकाश प्रतिवर्ष और निधन होने पर मृतक आश्रितों को नौकरी दें। अनुदेशक शिक्षा मित्रों ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के समय जो वेतन दिया जाता है उतना ही उन्हें मिले। 69,000 भर्ती शिक्षक में 138 शिक्षा मित्रों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। कहा गया कि उन्हें सरकार स्थायी करे और मानदेय बढ़ाने की घोषणा की जा चुकी है, उनका अनुपालन हो। अफसरों ने कहा कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को स्थायी करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निर्णय लेंगे। उनकी गणना शुरू शिक्षकों के रूप में हो सकती है। इसी तरह रसोईया व अनुदेशकों ने भी मांगे रखी। जल्द ही विभाग शासन को रिपोर्ट भेजेगा। शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल व संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने समस्याएं सुनी। प्राथमिक स्कूल में अभी तक नियमित शिक्षकों की ही होती रही है गणना। साथियों, ये समाचार, बड़ी अपडेट आपको 1 तारीख की हमने आपको मीटिंग जो है ये सरकार की तमाम संगठनों से वार्ता हुई है, सफल वार्ता कह सकते हैं, और ये हमने आपको सबसे पहले कोशिश की है बताने की। इसके साथ और कुछ समाचार हम लेकर हाजिर होंगे इवनिंग न्यूज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।